अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे एंड दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद काउंटर्स। ठीक है, काउंटर्स एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है, इम्पोर्टेंट डिजिटल डिवाइस है और जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, इट इज़ यूज्ड फॉर काउंटिंग, ये काउंटिंग करता है। ठीक है, अब काउंटर्स में इसकी खसूसी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि काउंटर की जो नेक्स्ट स्टेट है, स्टेट S1, ये डिपेंड करती है S0 पे, राइट। इसी तरह जो S नेक्स्ट स्टेट होगी S3, ये डिपेंड करती है S1 पे। फॉर एग्जांपल एक काउंटर है, उसमें वैल्यू स्टोर है 2, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 3। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 4, 5। तो काउंटर्स में हमें अगर इस वैल्यू को जानना है, फॉर दिस वैल्यू वी शुड ऑल्सो नो द प्रीवियस वैल्यू। अगर प्रीवियस वैल्यू हमें नहीं पता होगी, वी कैन नॉट टेल, वी कैन नॉट गिव नेक्स्ट स्टेट ऑफ काउंटर इट्स। अब जो काउंटर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ये होंगे डिजिटल काउंटर्स, बाइनरी काउंटर्स। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, अगर मेरे पास काउंटर है 2 बिट्स का, B0 B1, मुझे ये बताएं ये मैक्सिमम काउंटिंग कहाँ तक कर सकता है? चैट में आंसर दें, ये मैक्सिमम काउंटिंग कहाँ तक कर सकता है? टेल मी इन द चैट विंडो प्लीज। ओके, जो काउंट 2 बिट काउंटर है, इट कैन काउंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 3, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये इसकी 4 स्टेट्स होंगी, 2 बिट काउंटर की 4 स्टेट्स होंगी। अच्छा, और अगर मेरे पास 3 बिट काउंटर है, तो उसकी स्टेट्स कहाँ तक होगी, कहाँ तक काउंटिंग कर सकता है वो? जी बिल्कुल, उसकी सुलेमान खान, योर आंसर इज, देखें वो उसकी स्टेट्स होंगी 8 और काउंटिंग करेगा 0 से 7 तक, स्टेट्स 8 होंगी। ठीक है, स्टेट्स 8 होंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 000 एंड एंडिंग एट 111। ठीक है, अच्छा, अब काउंटर में क्या खास बात है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि काउंटर की जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड करती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अब हमारे पास 3 बिट काउंटर है A0 A1 A2, और इसमें अभी प्रेजेंट वैल्यू है 101। किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी डेसिमल में? ये 5 के इक्वल है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेट है ना, वो इसमें +1 ऐड करके आएगी, +1 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 6110। तो ये जो नेक्स्ट स्टेट है, इट डिपेंड्स अपॉन प्रीवियस स्टेट ऑफ आवर काउंटर, के काउंटर में पहले क्या स्टोर था। काउंटर फिर दो तरह के होते हैं, सिंक्रोनस काउंटर एंड एसिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर में क्लॉक नहीं होगा, ठीक है, जैसे ही इनपुट पे इनपुट चेंज होगी, इनपुट पे कोई सिग्नल आएगा तो ये अपना काउंटिंग नेक्स्ट अपने नेक्स्ट स्टेट में चला जाएगा। और जो सिंक्रोनस काउंटर हैं, उनमें क्लॉक होता है और उनकी वैल्यू चेंज होती है विद राइजिंग एज और फॉलिंग एज ऑफ क्लॉक पल्स इटसेल्फ। अच्छा, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, आप यहां पे नोट इस डायग्राम को देखें, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? जे के फ्लिप फ्लॉप है, ये एक 2 बिट काउंटर है, ठीक है, 2 बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर है, इसमें 2 बिट है, ये Q0 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, Q1 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, राइट। ये क्या है? फ्लिप फ्लॉप 0, फ्लिप फ्लॉप 1, दो फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं। अगर हमने बनाना है 3 बिट काउंटर, तो हम 3 फ्लिप फ्लॉप यूज कर लेंगे, 4 बिट काउंटर बनाना है तो 4 फ्लिप फ्लॉप यूज कर लेंगे। इसकी अरेंजमेंट देखें, J0 और K0 को कॉमन करके हमने क्या दे दिया? हाई दे दिया, इस पे हमने 1 दे दिया। एट द सेम टाइम J1 K1 को भी हमने 1 दे दिया, ठीक है। और आपको याद है कि जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं हमारे, अगर हम दोनों इनपुट J और K को 1 1 कर दें, तो क्या होता है, क्लॉक पल्स के ऊपर जैसे ही क्लॉक पल्स आती है, स्टेट टॉगल हो जाती है, 0 हो तो 1 हो जाता है, 1 हो तो
जीरो हो जाता है। ये बात याद रखें, ये फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टी है, हम बेसिक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेड जे जीरो के जीरो जे वन के वन इक्वल टू वन, इन्हें परमानेंट वन कर दिया, ये देखें हाई है। ऑन टॉप दैट वी हैव गिवन क्लॉक एज इनपुट ऑन द क्लॉक इटसेल्फ, ठीक है। अब आउटपुट पे आ जाए, आउटपुट देखें हमारे पास क्यू जीरो, ये हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्यू वन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया, ठीक है। वेयर एज जो क्यू नॉट है, इट इज गिवन एज क्लॉक इनपुट टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को देखें। जब फंक्शन कैसे कर रहा है, ये फंक्शन ऐसे कर रहा है कि जब भी क्लॉक का, ये हमारा क्लॉक है, इस क्लॉक का जब भी राइजिंग एज जाएगा, ठीक है, राइजिंग एज जाएगा, Q0 की Q1 की स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये Q0 कंप्लीमेंट इज गिवन एज क्लॉक इनपुट टू नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, तो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये किन स्टेट्स में से गुजरेगा, फोर इसकी स्टेट्स होंगी, फर्स्ट क्लॉक पल्स 00 Q0 Q1, राइट। सेकेंड पल्स पे क्या होगा, 0 Q0 की स्टेट चेंज हो जाएगी, थर्ड पल्स पे Q1 1 हो जाएगा और Q0 0 हो जाएगा, और फोर्थ पल्स पे दोनों 1 1 हो जाएंगे, फोर्थ पल्स पे 1 1 हो जाएगा। अच्छा, अब फिफ्थ पल्स पे क्या होगा, ये फर्स्ट पल्स थी, सेकंड पल्स, थर्ड पल्स, फोर्थ, फिफ्थ पल्स पे काउंटर हमारा रीसेट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 0 हो जाएगी, दोबारा स्टार्ट हो जाएगा ये मूव करना, 0 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 0 0 एंड सो ऑन, ऐसे ये करता रहेगा, इनफाइनाइट लूप होगा, लेकिन ये लूप रिपीटेड होगा। अच्छा, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दें, आपने ये देखा कि हमारे काउंटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर का बिल्डिंग ब्लॉक फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, गिव मी योर आंसर इन चैट विंडो प्लीज। ये मैं टाइमिंग डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एंड दिस टाइमिंग डायग्राम, ये जो टाइमिंग डायग्राम है, ये ऊपर जो हमारा टू बिट फ्लिप फ्लॉप है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब इस पर प्लीज अटेंशन देनी है आप लोगों ने, इसको सही तरह समझना बड़ा जरूरी है। ये हमारी क्लॉक इनपुट हो गई, ठीक है, और ये इसके फर्स्ट क्लॉक इनपुट हो गई। अब ये हमारी आउटपुट्स हैं, Q0 कंप्लीमेंट, Q0 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, Q1 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब आपने जी, अब रियल मैजिक विल स्टार्ट। आप नोट करें, शुरू में वैल्यू जीरो है क्लॉक की, Q0 कंप्लीमेंट की वन है क्योंकि कंप्लीमेंट है, Q0 की भी जीरो है और Q1 की भी वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जीरो, इट मींस हमारा जो काउंटर है, काउंटर में क्या स्टोर है इस वक्त, जीरो जीरो स्टोर है। ये हमारी इनिशियल स्टेट हो गई, ये हमारी इसकी फर्स्ट स्टेट है, जीरो जीरो, राइट। अब फर्स्ट राइजिंग एज आया, ये देखा आपने, फर्स्ट राइजिंग एज ऑफ क्लॉक। अब फर्स्ट राइजिंग एज आएगा तो क्या होगा, Q0 कंप्लीमेंट जीरो हो जाएगा, Q0 वन हो जाएगा। अच्छा, अब आपने, आपको याद है कि जो Q0 था, Q0 कंप्लीमेंट, इट इज गिवन एज अ क्लॉक टू Q1, जो फर्स्ट, जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसको, उसकी क्लॉक पे दिया गया। अब ये है फॉलिंग एज, राइट, इसका फॉलिंग एज है Q0 का, तो इसलिए Q1 की जो स्टेट है, सेकंड फ्लिप फ्लॉप की स्टेट चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन जीरो। सो हमारे पास फर्स्ट राइजिंग एज ऑफ क्लॉक, हमारे पास स्टेट आ गई जीरो वन, दिस इज क्यू जीरो, दिस इज क्यू वन, ट्रू फॉर्म, ठीक है। ऑन फर्स्ट राइजिंग एज ये हमारे पास आ गई, ये स्टेट आ गई हमारे पास राइजिंग एज पे। अच्छा, अब नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट दिस इज फॉलिंग एज, फॉलिंग एज पे यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगी, सो इट विल रिमेन जीरो, it will remain one and Q1SB will remain zero as well. अब ये क्लॉक का नेक्स्ट राइजिंग एज है, अगेन एक राइजिंग एज आ गया।
तो क्यू जीरो कंप्लीमेंट वन हो गया, राइट, क्यू जीरो जीरो हो गया। अच्छा अब ये नोट करें, यहाँ पे राइजिंग एज आ गया दोबारा क्यू जीरो कंप्लीमेंट पे, सो क्यू वन की भी स्टेट चेंज हो जाएगी एंड इट इज चेंज टू वन। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड स्टेट क्या आ गई, क्यू वन वन हो गया, क्यू जीरो जीरो हो गया। अब लास्ट स्टेट देखते हैं, ठीक है जी, ये अब फॉलिंग एज है, इस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगी, नो चेंजेस हियर, दिस इज आवर नेक्स्ट राइजिंग एज। नेक्स्ट राइजिंग एज में क्या हो गया, ये फॉलिंग एज क्यू जीरो कंप्लीमेंट जीरो हो गया, क्यू जीरो की स्टेट चेंज होगी क्योंकि राइजिंग एज है, वन हो गया, क्यू जीरो कंप्लीमेंट पे फॉलिंग एज है इसलिए क्यू वन की स्टेट चेंज नहीं होगी, वन था तो इट विल रिमेन वन। ठीक है, सो फोर्थ स्टेट इज वन एंड वन। अब फिफ्थ स्टेट देखते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि काउंटर रीसेट हो जाएगा फिफ्थ साइकिल पे, ये नेक्स्ट पॉजिटिव एज साइकिल है, क्यू जीरो चेंज फ्रॉम जीरो टू वन, इस पे राइजिंग एज आ गया। ठीक है, अब क्लॉक का राइजिंग एज था, प्रीवियस वैल्यू क्यू जीरो की वन थी, इट विल बी नाउ जीरो, और क्यू वन की प्रीवियस वैल्यू वन थी, इट विल आल्सो बी जीरो। क्यों जीरो हुई क्यू वन की, बिकॉज क्यू जीरो कंप्लीमेंट दैट इज यूज्ड एज अ क्लॉक टू लास्ट फ्लिप फ्लॉप सेकंड फ्लिप फ्लॉप, उसका राइजिंग एज आया इसीलिए जीरो हो गया। तो फिफ्थ स्टेट जीरो जीरो। अब सिक्स स्टेट क्या, अब ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, ये टाइमिंग डायग्राम को समझना जरूरी था, इसे एक नजर देख लें फिर आगे चलो। काउंटर में वैल्यू थी जीरो जीरो, नेक्स्ट फर्स्ट क्लॉक पल्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिर रिसाइकल हो गया फोर्थ क्लॉक पल्स पे, दोबारा वैल्यू जीरो जीरो हो गई। थ्री बिट काउंटर, ये भी एसिंक्रोनस काउंटर है, हमारे पास थ्री बिट हो गई क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू, और कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे इसमें, थ्री बिट काउंटर में कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे जी, शाबाश, राइट आंसर, हम यूज करेंगे तीन फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे हम फॉर थ्री बिट काउंटर, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, सेकेंड एंड थर्ड। इनपुट कौन कौन सी होती हैं इसकी, याद है आपको, ये हमारा फ्लिप फ्लॉप जीरो होगा, फ्लिप फ्लॉप वन, फ्लिप फ्लॉप टू, राइट, जे के, जे के, जे के, राइट, जे जीरो, के जीरो, जे वन, के वन, जे टू, के टू, राइट। आउटपुट डिफरेंट कलर में ड्रॉ करता हूं, Q0 हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, Q1 एंड Q2, राइट, ओके। अब क्लॉक की बारी आ गई, हियर वी हैव क्लॉक, यहां हम अपना क्लॉक देंगे, क्लॉक पल्स देंगे, ये भी क्लॉक है, ये नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक है। यहाँ पे हमारे पास जो Q0 कंप्लीमेंट है, इट विल एक्ट एज अ क्लॉक फॉर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, एंड Q0 कंप्लीमेंट, Q1 कंप्लीमेंट विल एक्ट एज अ फ्लिप फ्लॉप क्यू वन कंप्लीमेंट विल एक्ट एज अ क्लॉक फॉर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा फॉर थ्री बिट काउंटर, ये हमारी आउटपुट्स होंगी Q0, Q1, Q2। हर क्लॉक पल्स के राइजिंग एज पे ये काउंटर इंक्रीमेंट होता जाएगा। ये देखें, ये ज्यादा क्लियर पिक्चर डायग्राम है इस क्लॉक की, एंड इट इज बीइंग फॉलोड बाय टाइमिंग डायग्राम।
एट्थ साइकिल पे हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, इट विल बी रीसेट टू 0-0। ये 4-bit काउंटर की एग्जांपल है यूजिंग 4 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। कि आप लोगों ने सेल्फ स्टडी करनी है, ओके। आज के सेशन में ये सफिशिएंट है, काउंटर को आपने रिवाइज करना है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस एसिंक्रोनस डिकेड काउंटर्स। डिकेड काउंटर मींस काउंटर 0 से लेके 9 तक काउंटिंग करेगा, ठीक है। 0 से 9 और 9 पर जाके दोबारा रीसेट हो जाएगा, 9 से आगे काउंटिंग नहीं करेगा, ठीक है। ये 4-bit का काउंटर होगा, इसे आप स्टडी कर लीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा हाउ इट विल वर्क, ठीक है। ये ऐसे काउंटर्स हैं जो अपनी स्टेट कंप्लीट नहीं करते, मींस अब 4-bit काउंटर है, इट शुड काउंट फ्रॉम 0 अप टू 15, लेकिन ये डिकेड काउंटर है, सो इट विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 0, इट विल गो अप टू 9 1001, और उसके बाद दोबारा रीसेट हो जाएगा 0-0 पे, 0-0 पे रीसेट हो जाएगा। मींस ये अपनी सारी स्टेट्स कंप्लीट नहीं करेगा, हम इसे जो इसकी 10th स्टेट है डेट इज 1001 उसमें हम टर्मिनेट कर देंगे काउंटिंग को और अपने काउंटर को रीसेट कर देंगे। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन नेक्स्ट लेक्चर।